हेलो नमस्कार, माई सेल्फ अनिल कुमार यादव सूरज स्टूडेंट। यदि आप हमारे अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे अनअकेडमी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। यदि आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा अवकलज के अनुप्रयोग, प्रश्नावली 6.3 भाग 1। इसके पहले जो भी वीडियो यदि आपको नहीं मिला है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा या तो कम्युनिटी टैब में आपको लगा दिया जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। यदि 6.2 अभी तक आपको नहीं मिला है तो वो जल्द से जल्द बनाकर आपको दे दिया जाएगा। चलिए आज के इस अध्याय में देखिए क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि 6.3 में आपको पढ़ना क्या है। जब ये चीज़ें पता हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस 6.3 में आपको क्या पढ़ना है। तो 6.3 में आपको पढ़ना है प्रवणता। प्रवणता को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy/dx x1 y1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला dy/dx x1 y1। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा बिंदु दिया गया है ये x बराबर 4 पे हो, 5 पे हो या तो y बराबर कुछ हो, मतलब x की वैल्यू या तो दिया गया हो या तो y की वैल्यू दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम प्रवणता आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आपके 6.3 के भाग 1 में एक एक क्वेश्चन बताकर शुरू करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रवणता को ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है वक्र y=3x^4 − 4xk x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आ गया ना x = 4 पर, तो कहने का मतलब है जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था ऊपर, इस फॉर्मूले में x = 1 पे हो या तो y पे हो किसी एक का मान दिया रहेगा। अगर दोनों दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे ये हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे x = 4 दिया तो हम यहाँ पे 4 पर dy/dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो y बराबर दिया गया है क्वेश्चन उसको लिखेंगे 3x^4 − 4x। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैंने ले लिया। अब इसका करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे वो भी x के सापेक्ष करना है, ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx = ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 x^3 और −4। ये मैंने अवकलन तो कर लिया, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन भी कर सकते हैं कुछ, तो कॉमन करेंगे हम 4 को कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x^3 − 1। ये मैंने कॉमन कर लिया। अब इसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन में x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो चलिए अब प्रवणता ज्ञात करेंगे किस पे, x = 4 पर प्रवणता। तो कैसे ज्ञात करेंगे, dy/dx फॉर्मूला क्या था, x1 y1, तो x1 मतलब x = 4 पर, इसी पर हमें ज्ञात करना, तो लिख लेंगे x = 4 = चलिए अब ज्ञात करते हैं। तो क्या है 4 (3), x की वैल्यू कितना रखेंगे 4 पर है, तो लिखेंगे 4^3 है तो 3 लिख देंगे और −1। क्लियर है, मैंने इसमें पुट कर लिया, पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा 4^3 बार करेंगे और उसमें 3 का गुणा भी कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे और 3 का इसमें फिर से गुणा कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 192 और ये −1 इस तरह से। अब इसको 1 घटा लेंगे, 191 में से 4 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल 764। ये आ जाएगा इसका प्रवणता। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सेकेंड क्वेश्चन लिखा है वक्र वाई बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये अपान में है और यहाँ पे पहले ही बोल दिया है एक्स नॉट इज इक्वल टू टू, मतलब एक्स की वैल्यू टू नहीं रखना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इनफाइनाइट में आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू टेन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करना है, पहले ही बोल दिया है एक्स बराबर टेन पर ज्ञात करना है क्या, प्रवणता मीन्स एम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, साथ में पहले जो हमें दिया गया है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स माइनस टू, इसको पहले हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, मतलब dy by dx ज्ञात करेंगे। तो इसका dy by dx ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो डायरेक्ट लिख लिए dy by dx इज इक्वल टू, अब देखिए ये है अंश और ये है हर, अंश और हर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे पहले क्या होता है, पहले अंश हर कैसे होता है फॉर्मूला, चलिए उसको पहले बता देते हैं। हर पहले लिखेंगे, हर अंश का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा वन, माइनस अंश लिखेंगे, अंश हमारा क्या है एक्स माइनस वन इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, तो केवल लिखेंगे वन बट्टे हर का वर्ग एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये मैंने भाग का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स माइनस टू माइनस ये हो जाएगा x प्लस वन अपान में x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन अपान x माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो हमें मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है x बराबर टेन पर प्रवणता, तो लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर टेन पर, अब इस पर प्रवणता हम ज्ञात करेंगे तो चलिए x की वैल्यू क्या रखना है 10, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10, तो लिख लेते हैं माइनस वन अपान 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, या माइनस वन अपान घटा देंगे 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 और उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो लिख लेंगे माइनस वन अपान 64, ये हो जाएगा आपका प्रवणता। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर तीन लिखा है वक्र वाई बराबर एक्स पावर तीन माइनस एक्स प्लस वन की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक टू है, मतलब यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया है एक्स बराबर टू पर आपको ज्ञात करना है कि प्रवणता क्या होगा, तो ये वाई बराबर जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं एक्स की पावर तीन माइनस एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, इसका अवकलन करना है या dy वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, इज इक्वल टू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा जीरो, तो यहाँ तो हमें मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है किस पे, x बराबर टू पर, तो हम इसको लिखेंगे x बराबर टू पर प्रवणता, तो dy वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर टू पर, अब एक्स बराबर टू पर इस पर ज्ञात कर लेते हैं हम सीधे, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस वन, दो दुनी के चार, चार तिया के बारह, बारह माइनस एक इजिकल टू इलेवन, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर लिखा है वक्र वाई बराबर एक्स पावर तीन माइनस थ्री एक्स प्लस टू की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक दिया है थ्री, मीन्स एक्स बराबर तीन पर हमें ज्ञात करना है। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर तीन माइनस थ्री एक्स प्लस टू पर, ये है। अब इसका हम डी वाई बाई डी एक्स पहले ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये हमारा हो गया इसका डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो बोला है एक्स बराबर तीन पर, एक्स बराबर तीन पर प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू थ्री पर, अब क्या होगा एक्स बराबर थ्री पर, तो लिखेंगे थ्री इंटू एक्स की वैल्यू थ्री उसका स्क्वायर माइनस थ्री, तीन त्रिके नौ और नौ त्रिके सत्ताईस माइनस थ्री,
27 में से 3 को घटा देंगे, आ जाएगा 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 पे क्या लिखा है, वक्र x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो लिखा है, x बराबर भी दिया गया है और y बराबर भी दिया गया है, साथ में आपको बोल दिया है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रवणता हम तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रवणता के लिए हमेशा हमें चाहिए dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया गया, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं y को, y इज इक्वल टू दिया है a साइन क्यूब थीटा, ये दिया गया है, हमें इसको क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये क्यूब आगे आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का भी करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से मैंने इसका कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है x को लेंगे, तो x इज इक्वल टू दिया है a cos क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन में x बराबर भी दिया गया था, अब इसको भी थीटा के सापेक्ष हमें कर लेना है, थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा को तो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को आगे लिख लेते हैं और यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, dy वाई बाई डी थीटा को निकाल लिया यहां पे आप देख सकते हैं, और dx वाई डी थीटा को भी ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रवणता चाहिए, और प्रवणता के लिए हमें चाहिए dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy वाई बाई डी थीटा भागे डी एक्स अपन डी थीटा, अगर ये हम भाग दे लेते हैं तो हमें मिल जाएगा dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो चलिए इन दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करके रख लेते हैं, इसकी वैल्यू मैंने जो निकाला है वो आया है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद भाग लगाएंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू ये मैंने निकाल लिया है, तो रखेंगे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। भाग का मतलब होता है ये इसके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपान 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस, अब क्या करना है 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, अब इसमें हमें मिलेगा एक ऊपर sin बच जाएगा sin थीटा, बट ये नीचे बचेगा cos थीटा, यहां तक तो बच गया, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बचेगा वो है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब इससे क्या मिला, टोटल का टोटल हमें मिला dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टेन थीटा, यहां तक हमें मिल गया। अब हमने बोला था क्वेश्चन में कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें प्रवणता ज्ञात करना है, तो चलिए इस पे हम प्रवणता ज्ञात करते हैं, dy वाई बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, मतलब थीटा की वैल्यू कितना रखना है, पाई बाई 4 रखना है, तो लिखेंगे माइनस टेन पाई बाई 4, और इसकी टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 1, तो लिख लेंगे 1, तो इसका हो जाएगा, साथ में ये माइनस है तो ये हो जाएगा टोटल माइनस 1, तो हम यहां पे रख लेते हैं माइनस 1, ठीक है। यहां तक मैंने क्या किया, ये वैल्यू जो निकाला है ये आ गया m प्रवणता की वैल्यू, लेकिन हमें जो ज्ञात करना था वो निकालना था अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करेंगे, तो हम यहां पे लिख लेते हैं अभिलंब, मैंने m बराबर माइनस 1 तो ज्ञात कर लिया प्रवणता का, लेकिन हमें चाहिए अभिलंब की प्रवणता, तो लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस 1 बाई m, तो लिखेंगे माइनस 1 अपान m की वैल्यू, मैंने क्या निकाला, m की वैल्यू माइनस 1 ये निकाला हुआ है,
तो ये लिख लेंगे माइनस वन, ये कट जाएगा, आ जाएगा टोटल का टोटल आंसर वन आ जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। तो अगला भाग देखने के लिए इसका भाग टू बनाया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।